सीएए पर शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी से बनाई दूरी, दिल्ली चुनाव न लड़ने का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इसके पीछे की वजह नागरिकता संशोधन कानून को बताया है। जेपी नड्डा निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गृह मंत्री और बीजेपी नेताओं ने लड्डू खिलाकर दी बधाई। लखनऊ में घंटा घर पर अभी भी डटी हैं करीब 70 महिलाएं, कर रही हैं सीए और एनआरसी का विरोध। अहमदाबाद में भी शाहीन बाग की तर्ज पर नागरिकता कानून के खिलाफ धरना जारी, महिलाओं ने संभाली विरोध प्रदर्शन की कमान। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां एक शख्स के दोस्तों ने उसकी पत्नी के साथ बंदूक की नोक पर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। वारदात के वक्त महिला घर में अकेली थी। गैंगरेप की यह घटना बरेली शहर के सिरौली इलाके की है। रोड शो देर तक चलने की वजह से पर्चा दाखिल नहीं कर सके केजरीवाल, कल परिवार के साथ करेंगे नामांकन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। रोड शो के चलते लेट होने की वजह से वह समय पर नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचे। अब वह मंगलवार को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 2 साल पहले की थी लव मैरिज, चरित्र पर संदेह होने पर पति ने पत्नी की पत्थर से सिर व चेहरा कुचलकर की हत्या। जयपुर आयुक्तालय के आमेर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सिर कुचली महिला का शव पाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, इसलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए सिर व चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, रक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार। सीडीएस बिपिन रावत ने सोमवार को कहा कि ये पूर्वानुमान व्यक्त करना कठिन है कि पाकिस्तान के साथ किसी युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होगी या नहीं, लेकिन सेना के सभी अंग किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। निर्भया केस के दोषी पवन गुप्ता के नाबालिग होने के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। पवन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह अपराध के वक्त नाबालिग था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये सवाल बार बार उठाया जा चुका है, लेकिन दलीलों में दम नहीं है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी, घने कोहरे की चपेट में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहां कोहरे की घनी चादर में लिपटे हैं, वहीं कश्मीर घाटी में सड़कों पर बर्फी जमी हुई है। हिमाचल प्रदेश के लोग भी कपाने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं।